नमस्कार, डॉक्टर विजया स्मृति व्याख्यानमाला में आज अपनी प्रस्तुति करते हुए मुझे बहुत आनंद और हर्ष हो रहा है। डॉक्टर विजया और डॉक्टर मनोहर, इन दोनों से मेरी पहली भेंट हुई थी मुंबई में मेरे कार्यालय में, जहां मेरे पास दूसरे कामों के साथ साथ मराठी और हिंदी का भी थोड़ा बहुत कार्यभार था। और मेरी शुरू से यह मानना रही है कि हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत को एकात्मिक बनाए रखने के लिए हमारे जो भी भाषाई साहित्य हैं उनका आपसी अनुवाद बहुत आवश्यक है, और इसी दिशा में ये दोनों भी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे इनके साथ वापस जुड़ते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। तो डॉक्टर विजया की स्मृति को नमन करते हुए मैं आज का अपना विषय प्रस्तुत कर रही हूँ। यह विषय है साहित्य सेतु में अनुवाद का महत्व। तो साहित्य सेतु ये अपने आप में एक बड़ा ही अनूठा शब्द है, और सेतु निर्माण तो हमारे लिए तो हर सेतु निर्माण में गिलहरी का रोल बहुत महत्व का माना जाता है हमारी संस्कृति में, तो कुछ ऐसा ही रोल मुझे भी यहाँ मिल रहा है। इसलिए मेरी जो भी बात है वह केवल भारतीय भाषाओं के आपसी अनुवाद से ही संबंधित रहेगी। वैसे मेरी साहित्य रचना कोई बहुत अधिक नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ मौलिक साहित्य मैंने लिखा है और कुछ अनुवादित साहित्य भी मैंने किया है। और मेरा मानना है कि हर अनुवादित साहित्य जो है वह भी एक प्रकार से नवनिर्मिति ही होती है। मेरा जो मौलिक काम है वह प्रायः समाज, प्रशासन, विज्ञान, बाल साहित्य, निसर्ग या कोई बहुत ही गहन तकनीकी विषय जैसे कंप्यूटर्स, इन विषयों पे सामान्यतः मेरा लेखन रहा है। लेकिन जो अनुवादित कार्य मैंने किया है वह ललित साहित्य से जुड़ा हुआ है, अर्थात उपन्यास, कथा, कविताएं। तो इनके संबंध में मैं ये कहना चाहूँगी कि इसमें अनुवादक के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, एक आह्वान होता है कि उसे साहित्य की जो वाचनीयता है और जो रस माधुर्य है उसको अनुवाद में उसको बरकरार रखना बहुत ही जरूरी है। अन्यथा दूसरी भाषा का पाठक अगर उसे पढ़े ही नहीं या पढ़ते पढ़ते ऊब जाए तो वह उस दूसरी भाषा के अच्छे साहित्य के महत्व को या उसमें निहित जो भी बातें कही गई हैं उनको वह समझेगा ही नहीं, और उनके प्रति एक अरुचि उसके मन में अगर आ जाती है तो उस भाषा के जो साहित्यकार हैं उनके प्रति भी अन्याय हो जाता है। इसलिए अनुवादक को बहुत सोच विचार करके और बहुत उसका, मैं कहूँगी कि उसका उत्तरदायित्व बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि वह एक साथ दो भाषाओं को जोड़ रहा है, दो भाषाओं का प्रतिनिधित्व भी वह कर रहा है। जहाँ तक भारत की बात है, हमारा देश एक बहुत ही विशाल भूप्रदेश है और यहाँ पर बीसियों मुख्य भाषाएं हैं और सैकड़ों बोली भाषाएं हैं। बोली भाषाओं का महत्व इसलिए है कि जो छोटे छोटे जो भौगोलिक क्षेत्र होते हैं जहाँ ये बोली भाषाएं बोली जाती हैं उनकी जो ज्ञान संपदा है और उनका जो संचित इतिहास है, संचित ज्ञान है, वह हमें उस भाषा से, उस बोली भाषा से और उस बोली भाषा का जो साहित्य है, भले ही वह लिखित साहित्य हो या श्रुति साहित्य हो, उससे हमें उस थाती का पता चलता है।
और जो बड़े भूभाग में बोले जाने वाली भाषाएं होती हैं उस भाषा में उस छोटे छोटे प्रांतों की या छोटे छोटे क्षेत्र के बोली भाषाओं का पुट आ जाना ये भी बहुत ही स्वाभाविक है। इसलिए मैंने देखा, और पहले मैं यह स्पष्ट कर दूं कि मेरा जन्म महाराष्ट्र का है, पढ़ाई बिहार की है, और घुमक्कड़ी के कारण मैंने बहुत सारे भारत के विभिन्न प्रदेश घूमे हैं। इसलिए भाषा की जो समृद्धता है उन उन प्रदेशों में, उससे उस वहाँ की लोकोक्तियाँ, वहाँ के मुहावरे, वहाँ के चाल चलन आदि से मैं बहुत ही अधिक प्रभावित हूँ, और उसमें एक एकात्मिक रूप भारत का मैं देखती हूँ। जैसे अगर मुझे बचपन से आदत है गंगा मैया कहने की, तो उसी तरह से गोदावरी नदी के लिए भी मेरे मुंह से सदा गोदाई या कृष्णाई या गोदा मैया यही शब्द निकलेंगे। और मैंने देखा कि भारत के किसी भी हिस्से में आप चले जाएं, वहाँ आपको यही दिखाई पड़ेगा कि नदियों को माता के रूप में देखने की हमारी संस्कृति है। तो इसका महत्व तो इसलिए हो जाता है कि यही झलक हमें उस साहित्य में भी मिलती है। इसलिए अगर हम दूसरी भारतीय भाषाओं के साहित्य को पढ़ते हैं तो हमें तब यह अनुभूति या अनुभव होता है कि इन भाषाओं के शब्द भंडार एक जैसे हैं। इन भाषाओं में जो व्यक्त भाव भावनाएं हैं वे एक जैसी हैं, और एक बहुत बड़ा कैनवास हमें बना बनाया यहाँ पर अपने देश में मिल रहा है कि अगर हम साहित्यिक अनुवाद की तरफ अपना ध्यान दें तो हमारे करने के लिए बहुत बड़ा कार्य है। एक दुर्भाग्य की बात है कि यह कार्य अब तक हमारे देश में बहुत गहराई से किसी ने किया नहीं है, और इसका एक कारण मैं मानती हूँ कि जो हमारे सरकारी विभागों में जो सांस्कृतिक विभाग होता है और उस विभाग के अंतर्गत जितनी संस्थाएं होती हैं वहाँ पर अनुवाद के महत्व को नहीं समझा गया, या मैं ये कहूँ कि अनुवाद के लिए जो एक नव सृजन की आवश्यकता होती है उसे नहीं समझा गया, इसलिए वहाँ पर अनुवादक को कोई सम्मान नहीं दिया जाता है। अनुवादक को एक मजदूरी के तौर पर जो मूल रचना होगी उसके शब्दों की संख्या के अनुपात में प्रति शब्द एक रुपये 10 पैसे या इस तरह से कोई जो बिल्कुल मजदूरी होती है सामान उठाने की, सामान ढोने की, जिस प्रकार मजदूरी होती है उस प्रकार की मजदूरी अनुवादक को दी जाती है, तो स्वाभाविक है कि वह अनुवाद अच्छा नहीं उतरता है। हालांकि हमारे चूँकि शब्द हमारे एक जैसे हैं तो शब्दशः अनुवाद कई बार बहुत अधिक समर्पक हो जाता है, लेकिन फिर भी उस प्रांत की जो लोकोक्तियां हैं, उस प्रांत की भाषा की जो एक पकड़ होती है वह पकड़ उन अनुवादों में नहीं उतर पाती है। साथ साथ अनुवादक के लिए यह आवश्यक होता है कि वह जिस विषय को लेकर के जो उसके पास सामग्री है उस विषय का उसे भान हो, तभी उसका अनुवाद सही उतर सकता है। इन बातों को मैं इसलिए अधोरेखित करना चाहती हूँ कि मेरे एक साहित्यिक मित्र बताते हैं कि 1950-60 के आसपास अमेरिकन साहित्य को भारतीय भाषाओं में अनुवाद कराने का जिम्मा किसी अमेरिकन संस्था ने लिया, और उसने भारत के अच्छे अच्छे लेखकों से संपर्क किया,
और उन्हें जो परिश्रमिक या उन्हें जो मैं कहूँगी कि मानधन जो उन्होंने दिया वह इतना अधिक था जो उस लेखक के मूल रचनाओं के लिए भी उसे नहीं मिल रहा था। और इसलिए भारत की कई भाषाओं में बहुत अच्छे अमेरिकन साहित्य का अनुवाद आज हमारे लिए उपलब्ध है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इस बात को ना समझ पाने के कारण हमारे अपने ही देश की आप भाषाओं का आपसी अनुवाद अधिकतर नहीं हो पाया है। इस दिशा में हमें बहुत प्रयास करने की आवश्यकता है। जो अच्छे लेखक हैं उन्हें आगे आने की आवश्यकता है, क्योंकि यह हमारी संस्कृति को, जो हमारी साझा विरासत है, उसको टिका करके रखने का एक बहुत अच्छा तरीका है। मैं इस बात को भी कहना चाहूँगी कि हमारे देश में जो बीसियों भाषाएं हैं जिन्हें हम प्रमुख भाषा कह सकते हैं, और सैकड़ों भाषाएं हैं जिन्हें हम बोली भाषा कह सकते हैं। मैं इस बात को भी कहना चाहूँगी कि हमारे देश में जो बीसियों भाषाएं हैं जिन्हें हम प्रमुख भाषा कह सकते हैं, और सैकड़ों भाषाएं हैं जिन्हें हम बोली भाषा कह सकते हैं। और भारत एक विशाल राष्ट्र है, और भारतीय संस्कृति भारत के भौगोलिक क्षेत्र से भी अधिक दूर दूर तक विस्तारित है। तो यह संस्कृति एक तरह से हमारी एकात्मता की परिचायक भी होती है और उसकी संरक्षक भी होती है। आज भारत की एकात्मता सुरक्षित रखने के हेतु जो कई सारे प्रयासों की आवश्यकता है, उसमें अनुवाद का भी बहुत बड़ा महत्व है। और इसीलिए मैंने आज का अपनी प्रस्तुति का विषय चुना है, साहित्य सेतु में अनुवाद का महत्व। आज विश्व में जो कई सारी भाषाएं बोली जाती हैं, उनमें अगर हम गिनती करें कि 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाली भाषाएं कितनी हैं, तो ये करीब 97 भाषाएं हैं। और इनमें से 16 भाषाएं ऐसी हैं जो केवल भारत में हैं, अर्थात 1 करोड़ से भी अधिक भारतीय जिन भाषाओं को बोलते हों, ऐसी अपने पास 16 भाषाएं हैं। और यह एक तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो अन्य भाषाओं की अपेक्षा इनके भौगोलिक क्षेत्र को हम एक राष्ट्र के रूप में, भारत राष्ट्र के रूप में इकट्ठा एकत्रित देखते हैं। और इसलिए भी हमारे देश में इस बात की आवश्यकता बढ़ जाती है कि एक भाषा का साहित्य दूसरी भाषा में पहुँचे, ताकि यह एकात्मता बनी रहे। अब मैं थोड़ा सा अपने अनुभवों पे आती हूँ, जो अनुभव मैंने अपने अनुवाद के कार्य के समय देखे। मेरा अनुदित साहित्य कुछ इस प्रकार का है कि माननीय कुसुमाग्रज, जो मराठी के बहुत बड़े समाज सुधारक, विचारक, साहित्यकार और कवि रहे, और जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, उनकी 108 कविताओं का मैंने हिंदी में अनुवाद किया है, जो आनंद लोक नाम से छपा है। इसके बाद नेशनल बुक ट्रस्ट के लिए मैंने डेमोक्रेसी 80 क्वेश्चंस एंड आंसर्स इस पुस्तक का मराठी अनुवाद किया था, और यह एक तकनीकी पुस्तक थी। फिर एक मराठी उपन्यास एक था फिंगाड़िया, इसका हिंदी अनुवाद मैंने किया, जो भारतीय ज्ञानपीठ ने छापा है। और यह
अनुवाद इसलिए मैंने किया कि इस उपन्यास का जो कथानक है वह एक प्राग ऐतिहासिक कालीन परिप्रेक्ष्य या पार्श्वभूमि इस उपन्यास के लिए लेखक ने चयन की थी। एक उपन्यास और जो मैंने अंग्रेजी से मराठी में अनुवादित किया है द लास्ट पास, लेकिन इनके अलावा मैंने कई कवियों की हिंदी से मराठी या मराठी से हिंदी अनुवाद किए हैं, जिनमें श्री नंद चतुर्वेदी, श्री उदय प्रकाश, श्रीमती अनीता अग्निहोत्री, श्री ललित सुरजन, ऐसे कुछ नाम इसमें शामिल हैं। मराठी की एक बहुत ही लोकप्रिय गीत जो कि भारत के आत्मगौरव को बढ़ाने की बात करता है और बहुत ही ओजपूर्ण यह गीत है जिसे धुन में बांधा गया है और एक गीत के रूप में बहुत ही लोकप्रिय गीत है, उसका हिंदी अनुवाद भी मैंने किया है। तो चूँकि यह अनुवाद कहीं ना कहीं हमारी एकात्मता से जुड़ा है, तो मेरी यह जिद थी कि अनुवादित गीत जो होगा वह भी उसी धुन में गाया जा सके जिस धुन में मराठी गीत गाया जा चुका है और लोकप्रिय है। तो इस जिद के चलते भी अनुवाद में एक अलग प्रकार की रोचकता और एक नवनिर्मिति का आनंद अनुवादक ले सकता है। इसे अपने अनुभव के आधार पर आपके सम्मुख मैं प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मराठी गीत इस प्रकार है। बल सागर भारत हो वो विश्वात शोभुनी राहो, हे कंकण करी बांधियले जन सेवे जीवन दिधले, राष्ट्रात प्राण हे उरले मी सज्ज मराया लाहो, बल सागर भारत हो। अब इसका हिंदी अनुवाद करते समय अगर धुन कायम रखनी है तो यह जरूरी था कि मैं वाक्य रचना को थोड़ा सा परिवर्तित कर दूं। मराठी गीत इस प्रकार है। बल सागर भारत हो वो विश्वात शोभुनी राहो, हे कंकण करी बांधियले जन सेवे जीवन दिधले, राष्ट्रात प्राण हे उरले मी सज्ज मराया लाहो, बल सागर भारत हो। इसका अनुवाद करते समय एक दिक्कत यह थी कि मराठी में क्रियाएं छोटे छोटे शब्दों में, दो अक्षरी शब्दों में वर्णित की जाती हैं और उनके रूप इस प्रकार होते हैं, राहो, होवो, येवो, लाहो इत्यादि। ऐसे शब्द हिंदी में नहीं मिल सकते, तो मैंने शब्दों की रचना थी या वाक्य में जो उनके स्थान थे उन्हें थोड़ा सा परिवर्तित करके इस रचना का अनुवाद किया ताकि धुन कायम रह सके। और मुझे लगता है कि यह अनुवाद बहुत अच्छा बन पड़ा है और उस अनुवाद की ये चार पंक्तियां मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। बल सागर होवे भारत विश्व में रहे अपराजित, बल सागर होवे भारत विश्व में रहे अपराजित, यह कंकण बांधा कर में जीवन हो जन सेवा में, ओ प्राण राष्ट्र के हित में मैं मरने को भी उद्यत, बल सागर होवे भारत
बल सागर होवे भारत विश्व में रहे अपराजित। तो ये मैंने जाना और अनुभव किया कि हमें वाक्य रचना बदलने आनी चाहिए अगर हमारा अनुवाद सुनने वालों के लिए रस माधुरी से भरा हो और उसे मूल कविता का आनंद भी उसे महसूस किया जा सके। कुसुमाग्रज के विषय में अगर मैं कहूँ तो उनका अनुवाद थोड़ा सा कठिन था क्योंकि वे शब्द प्रभु हैं और शब्द कृपण भी, अर्थात वे बहुत कम से कम शब्दों में अपनी कविताओं में अपनी बात को रख देते थे। फिर भी उनकी कविताओं में लय, सुर, ताल, नाद, छंद, माधुरी, रस ये सारे हुआ करते हैं, तो उनको उसी प्रकार पकड़ पाने के लिए कई बार मैंने उनके शब्दों को बिना बदले वैसा का वैसा ही रखा है। और कई बार उन्होंने कुछ अनूठे छंदों का प्रयोग किया है, तो उनकी एक रचना मैं यहाँ प्रस्तुत करना चाहती हूँ जिससे जिसका कि छंद एक बिल्कुल ही अलग तरीके का छंद है जो प्रयोग मैंने हिंदी में शायद कभी नहीं देखा है। कविता इस प्रकार है। विशाल भारी इस खंभे का सूक्ष्म कांपना अभी आपने देखा नहीं। विशाल भारी इस खंभे का सूक्ष्म कांपना अभी आपने देखा नहीं। चिरगृह यह नरसिंह का ईंट चून का निर्जीव कोई स्तंभ नहीं। ऐसी ही थी वह संध्या भी, ना दिन था ना रात चढ़ी थी राजभवन में। पद प्रहार उन्मत्त हुआ जब, काल कृतांत ही मानो उदित हुआ स्तंभ में। कोमल करुणा मैं ईश्वरता श्वापद होकर ऐसी भयानक जब आती है। हिंस्र नखों से विदीर्ण करके अन्यायी की देह शांत तब ही होती है। जगह जगह जो आज स्तंभ ये ईंट चून के या लोहे के फौलादों के, सावधान सावधान अवतरण करेंगे नारसिंह परिमार्जन करने अन्यायों के। तो कहने को तो यह अनुवाद है लेकिन इसमें कई ऐसे शब्द हैं जो मूल कविता में और वहाँ से मैंने जस के तस उठाए। लेकिन मैंने ये देखा कि जब मैं फणीश्वरनाथ रेणु की कुछ कथाओं का मराठी अनुवाद कर रही थी या हिमाचल प्रदेश के श्री हरनोट उनकी कथाओं का जब मराठी अनुवाद कर रही थी, तो यह जो नितांत ग्रामीण परिवेश की कथाएं होती हैं इनका अनुवाद करने के लिए मुझे यह सोचना पड़ा कि मेरे सामने महाराष्ट्र के वैसे वैसे कौन से दृश्य आ सकते हैं। खासकर एक कथा पहलवान का ढोलक, उसमें जिस ढोलकिया का वर्णन है मुझे सोचना पड़ा कि ऐसा ढोलकिया या ऐसा मृदंगिया मैंने कहाँ देखा है, और फिर उसके चरित्र को याद करने के बाद ही वह अनुवाद मेरे से ठीक तरह से हो पाया। ऐसा ही एक अलग अनुभव था जब मैं डेमोक्रेसी 80 क्वेश्चंस एंड आंसर्स का अनुवाद कर रही थी, तो सारी पुस्तक का अनुवाद कर लेने के बाद मुझे एक उसके खंड के बारे में ऐसा लगने लगा कि यहाँ मैंने कुछ गड़बड़ की है, यहाँ कुछ गड़बड़ है, और वह मेरी पकड़ में बात नहीं आ रही थी। तो मैंने पॉलिटिकल साइंस के ही एक प्रोफेसर से अपनी बात बताई, तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप मुझे मूल
चैप्टर दिखा दीजिए और आपका अनुवाद भी दिखा दीजिए। तो जब उन्होंने मूल चैप्टर देखा तो उन्होंने कहा, ओहो ये चैप्टर जो है, ये पूरा जो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो अलग अलग संस्थाएं हैं, उनके जो अलग अलग प्रोसीजर्स हैं, कन्वेंशंस हैं, उसके बारे में बात कर रहा है। इस बात का जिक्र इस किताब में कहीं नहीं है, और हो सकता है कि संक्षिप्त वर्शन, संक्षिप्त इंडियन एडिशन होने के कारण यहाँ वह जिक्र नहीं हो। लेकिन चूंकि विषय वह है तो आप यूएनओ से संबंधित जो उनका ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट है, उस चार्ट को एक बार आप देख करके समझ लीजिए, तब आपके अनुवाद में जो ये आपको गड़बड़ी दिख रही है वह गड़बड़ी आप हटा सकेंगे। तो जो मैंने पहले कहा था कि जब हम तकनीकी पुस्तक के अनुवाद की बात करते हैं तो हमें उस विषय की समझ होना बहुत आवश्यक होता है। मैंने देखा कि जब मैं मराठी का यह प्रागैतिहासिक उपन्यास, प्रागैतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास, इसका जब मैं हिंदी अनुवाद कर रही थी तो इसमें एक बहुत बड़ा बंधन था कि हम ऐसे काल की बात कर रहे हैं जब भाषा अभी विकसित नहीं हुई है, कृषि भी पूरी तरह से विकसित नहीं हुई है, तो शब्द भी हमें बहुत अधिक शब्द लालित्य नहीं दिखाना है, छोटे छोटे सहज शब्द ही रखने हैं, कुल मिलाकर के बहुत कम प्रकार के शब्द ही हमें रखने हैं, उन्हीं से सारा वर्णन पूरा करना है। तो जब मैंने इस अनुवाद की बात भारतीय ज्ञानपीठ के तब के सचिव श्री श्रोत्रिय जी से जब मैंने इसकी बात की तो उन्होंने कहा कि इस प्रकार की रचना की ऑथेंटिसिटी को परखने के लिए ज्ञानपीठ की ओर से मैं इस अनुवाद को देना चाहूँगा श्री राम कुमार कृषक जी को। और अगर उन्होंने देख करके कहा कि इसमें जो पृष्ठभूमि या परिवेश आपने बनाया है वह हिंदी जगत के परिवेश से मिलता जुलता है, तो फिर हम यह कह सकते हैं कि हिंदी पाठकों को यह पुस्तक भाएगी। और फिर कृषक जी ने उस अनुवाद को पढ़ करके अपनी सहमति प्रदान की, तब जाकर के ज्ञानपीठ ने उस पुस्तक को छापा है। एक दूसरा प्रसंग मुझे स्मरण आता है कि कुसुमाग्रज की एक कविता का जब मैं अनुवाद कर रही थी तो मैंने देखा कि श्रीलाल शुक्ल जी ने कहीं पर कुकुरहाट इस शब्द का उपयोग किया है, और जो कविता जिसका मैं अनुवाद कर रही थी उसमें मुझे लगा कि यह शब्द वहाँ पर जो भाव कवि के मन में है उस भाव के लिए यह शब्द फिट बैठता है। तो हालांकि मराठी में इस तरह का कोई शब्द नहीं है जिसको हम कह सके कि यह कुकुरहाट का बिल्कुल सटीक मराठी अनुवाद है, लेकिन जो भाव उस कविता में थे उस भाव के लिए यह शब्द बहुत फिट बैठता था। तो इस प्रकार मैंने ये देखा कि जिस भाषा से हम साहित्य को अनुवादित कर रहे हैं उस भाषा की जो अपनी खासियत होती है उस खासियत को उतार पाना बहुत आवश्यक होता है। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि छोटे छोटे क्षेत्रों की जो विशेषताएं होती हैं, भाषाई विशेषताएं होती हैं, और जो बड़े क्षेत्र की प्रमुख भाषा होती है तो उस प्रमुख भाषा में ये छोटे क्षेत्रों की जो भाषाई विशेषताएं हैं वे अपने आप में आ जाती हैं, और उनसे मेरे विचार में उस प्रमुख भाषा का माधुर्य और लालित्य बढ़ता है। तो
इसका कहीं ना कहीं इस बात का हमें भान रखना पड़ेगा, बल्कि उस परिवेश के जो शब्द या स्वर उच्चारण, उनका भान हमें अनुवादित साहित्य में रखना चाहिए, और जहाँ तक संभव हो उसे उसी प्रकार से प्रस्तुत भी किया जाना चाहिए। उनका बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मैंने देखा कि जब एक बंगाली व्यक्ति हिंदी बोलेगा तो वह हिंदी ओडिशा के व्यक्ति के हिंदी से अलग होगी, मैथिली की हिंदी और जौनपुर की हिंदी अलग होगी, तेलुगु की हिंदी और मराठी व्यक्ति की हिंदी अलग होगी, और ये सारे जो अलग अलग संपुट उस भाषा पर चढ़ते हैं वह उस भाषा को समृद्ध करते हैं। आज हम बड़े ज़ोर शोर से ये कहते हैं कि हम अंग्रेजी के कुछ शब्द अगर आयातित कर लेते हैं तो इससे हिंदी की हिंदी को समृद्धि मिलती है, ना कि कमजोरी। तो अगर हम अंग्रेजी भाषा के शब्द आयातित कर सकते हैं तो फिर हम अन्य भारतीय भाषाओं के शब्दों को भी आयातित कर सकते हैं, और इसलिए अनुवाद में उस भाषा के कुछ शब्दों को दूसरी भाषा में जस का तस रख लेना, ये कहीं कहीं पर बहुत ही उचित और उस रचना के लिए बहुत ही समर्पक होता है। ऐसा ही एक शब्द जो मराठी में बहुत बहुलता से उसका उपयोग होता है वह शब्द है रहीवासी, लेकिन हिंदी में प्रायः यह शब्द उपयोग में नहीं लाया जाता है। तो कुसुमाग्रज की एक कविता का मैं जब अनुवाद कर रही थी और उसमें यह शब्द मैंने जस का तस रखा, और केदारनाथ सिंह जी ने इस कविता को पढ़ा तो उन्होंने कहा, अच्छा कितना सुंदर शब्द है, मुझे आश्चर्य है कि हिंदी में यह शब्द अभी तक क्यों नहीं है। तो चलिए, आपकी इस कविता के कारण ही से ही यह शब्द हिंदी में भी अब आ जाना चाहिए। तो कहने का ये मेरा मतलब होता है कि अनुवादक जो काम कर रहा है उसे, मुझे ये भी लगता है कि जब कोई अनुवादक किसी रचना का अनुवाद करता है तो जिस भाषा में वह अनुवाद हो रहा है उस भाषा के कुछ अन्य दिग्गजों को भी वह रचना एक बार देख लेनी चाहिए, तो उससे उस रचना की जो मैं कह सकती हूँ वैल्यू एडिशन हो जाती है। कुसुमाग्रज की ही एक कविता थी, कविता है कोलंबस का गर्वगान, जिसमें कोलंबस समुद्र को ललकारते हुए कहता है कि किनारा तुझ पामर के लिए, मुझ नाविक के लिए खुली हैं दसों दिशाएं। तो जब नामवर सिंह जी के साथ मेरी बात हो रही थी इन्हीं कविताओं के विषय में, और प्रकाशन से पहले वो इन कविताओं को एक बार पढ़ रहे थे, तो उन्होंने कहा, वाह क्या तेवर हैं कोलंबस के और क्या तेवर हैं इस कवि के जिसने इस प्रकार से कोलंबस के तेवर को पकड़ा है। तो मुझे यह सुनकर के बहुत अच्छा लगा। इस तरह के तेवर वगैरह की बात तो मैं जानती नहीं थी, लेकिन नामवर सिंह जी ने जब इस पे अपनी मुहर लगाई तो मुझे लगा कि इस प्रकार के अनुवाद में जो बात मूल कवि कहना चाह रहा था उसे मैंने सटीकता से उतार दिया है। तो इस तरह के कुछ मेरे अनुभव हैं। जैसे जब मैंने देखा कि जब मैंने श्रीमती सुधा अरोरा या सूर्य बालाजी के कुछ हिंदी कथाएं जब मैं मराठी में अनुवादित कर रही थी तो उनकी जो पृष्ठभूमि थी वह शहरी पृष्ठभूमि थी, मुंबई की पृष्ठभूमि थी सुधा जी की रचनाओं में, जबकि सूर्य बालाजी की रचनाओं में एक मध्य वर्ग की पृष्ठभूमि अक्सर हुआ करती है। मराठी से हिंदी और हिंदी से मराठी के अनुवाद में मैंने एक बात का अनुभव और किया, या बांग्ला से मराठी में भी यह अनुभव किया
कि बांग्ला या हिंदी भाषाओं में महाप्राण अक्षरों का प्रयोग कम होता है, जबकि मराठी में अगर अनुपात के रूप में देखा जाए तो इन अक्षरों का चलन अधिक है। तो कई बार जब हमें वीर श्री की कविताओं का अनुवाद करना पड़ता है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वह बात शायद नहीं उतर पाएगी। वैसे तो सुभद्रा कुमारी जी की जो कविता है, वीरों का कैसा हो वसंत, आ रही हिमाचल से पुकार है उदधि गरजता बार बार, प्राची पश्चिम भू नभ अपार, सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत, वीरों का कैसा हो वसंत। अर्थात महाप्राण अक्षरों का उपयोग ना करते हुए भी एक प्रतिभाशाली कवि अगर है तो वह वीर रस का सृजन तो कर ही लेगा, लेकिन मराठी में यह थोड़ा मुझे लगता है कि अधिक सहजता से हो जाता है। एक कुसुमाग्रज की कविता है जिसका आरंभ इस प्रकार है, वेड़ात दौड़ले वीर मराठे सात। अब यहाँ भी ड र ठ इस प्रकार के जो शब्द हैं, तो इससे जो वीर श्री का निर्माण होता है, तो इस कविता का मैंने बहुत सोचा, बहुत प्रयास किया कि इसका अनुवाद मैं उस वीर श्री के साथ कर सकूं, और फिर मुझे लगा कि ये मेरे से संभव नहीं है तो मैंने उसे छोड़ दिया। फिर किसी दिन मैंने देखा कि इस कविता का अनुवाद कहीं ना कहीं इंटरनेट पर रखा हुआ है, और यह अनुवाद नागपुर के एक कवि ने किया है, और देख के मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, आनंद आश्चर्य हुआ मैं कहूँगी, कि वीर श्री को रखते हुए उस कवि ने इसका अनुवाद किया था। तो अगर मैं कुछ ठोक पीट करके अनुवाद कर लेती तो वह उस कविता के साथ अन्याय होता, जबकि जो इस दूसरे कवि ने किया उसके कारण उस कविता को न्याय मिला है, ऐसा मुझे लगता है। मराठी की जो कथाएं जिनका मैंने हिंदी में अनुवाद किया है, उसमें कुछ कथाएं बिल्कुल ग्रामीण परिवेश से हैं, लेकिन महाराष्ट्र का ग्रामीण परिवेश कई अर्थों में उत्तरी हिंदुस्तान या दक्षिणी हिंदुस्तान के ग्रामीण परिवेश से थोड़ा सा अलग है। परंपरा रूढ़ियाँ यहाँ की अलग हैं, तो उनके लिए कहीं ना कहीं हिंदी में अनुवाद करते समय उस बात का भान रखना पड़ता है। कुछ मराठी कथाएं जो टिपिकली मुंबई से संबंधित हैं, मुंबई के लोकल प्रवास का वर्णन, तो वहाँ भी एक अलग भान हिंदी पाठकों के लिए रखना पड़ता है। तो इन सारे प्रकारों से मुझे बस इतना समझ में आया कि यह जो हमारी विभिन्नता है, और इसी विभिन्नता में हमें एकता भी लानी है, एकता का संबल हमारे देश को आज चाहिए है, तो उसके लिए जितने भी अच्छे कलाकार हैं, साहित्यकार हैं, उनसे मेरा यही निवेदन रहेगा कि हम भारत के एक भाषा के साहित्य को दूसरी भाषा में हम जितना अधिक अनुवाद कर सकेंगे। और विशेष रूप से मैंने यह महसूस किया है कि अगर हम तकनीकी साहित्य को भी अगर अनुवाद के लिए ले सकें, उस पर काम कर सकें, तो इससे देश का बहुत अधिक भला होने वाला है। जो हमारी नई शिक्षा नीति है वह भी इस बात की ओर इंगित करती है कि हमें कहीं ना कहीं से अच्छे पाठ, जो हमारे स्कूल के टीचर्स जो अच्छे पाठ बनाते हैं, उनका भी क्यों ना हम अलग अलग भाषाओं में अनुवाद करें। तो इसका एक नमूना मैं यहाँ पर प्रस्तुत करना चाहूँगी कि एक छोटी सी कविता मैंने अपने पोते के लिए बनाई थी। ओ ढब्बू जी तुम क्या पढ़ते जी, ओ ढब्बू जी
तुम क्या पढ़ते जी, मैं तो पढ़ूंगा क ख ग घ ङ अ आ ई ई और क्षत्रज्ञ। ओ ढब्बू जी तुम क्या पढ़ते जी, मैं तो पढ़ूंगा एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ और दस। अब इसी की एक संस्कृत प्रस्तुति कुछ इस प्रकार बन सकती है। ओ ढब्बू जी त्वं किं पठसि, भो ढब्बू जी त्वं किं पठसि, पठिष्यामि अक्षरान् क ख ग घ ङ अ आ ई ई एवं क्षत्रज्ञ। भो ढब्बू जी त्वं किं पठसि, पठिष्याम्यहम् एकं द्वै त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव च दश। तो इस प्रकार का अनुवाद अगर हम कर सकेंगे तो हमारी स्कूली शिक्षा के लिए भी इसका बहुत अनमोल उपयोग हम कर पाएंगे। मुझे लगता है कि अनुवाद के क्षेत्र में हमारे लिए बहुत बड़ी संभावनाएं हैं जिनका उपयोग हमें करना चाहिए। अपनी प्रतिभा का उपयोग हम अपने देश की एकात्मता के लिए, सांस्कृतिक विरासत को संजो कर रखने के लिए, बच्चों के लिए और उनके भविष्य के लिए हम कर सकते हैं। और इस उत्तरदायित्व का संवहन हम अवश्य करते रहें, यही मेरी शुभेच्छा है। आप सबों को पुनः एक बार धन्यवाद और नमस्कार।